जब कोई साधारण सा इंसान कुछ बड़ा कर जाता है ना दोस्तों, तब वो अपने आप ही सबके लिए इंस्पिरेशन बन जाता है। जिस उम्र में कई युवा कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, उस उम्र में ये करोड़ों कमा रहा है। उड़ीसा के छोटे से गांव में रहने वाला लड़का बिना किसी बड़े इन्वेस्टमेंट के सस्ते होटल की एक ऐसी चेन तैयार करता है जो 360 करोड़ का कारोबार बना चुका है। 13 साल की उम्र से ही रितेश अग्रवाल देश के अलग अलग शहरों में घूमते रहे। इस दौरान कभी उन्हें सस्ते होटल मिलते थे तो कभी महंगे। उन्हीं दिनों में उन्हें बजट होटल का आइडिया आया और सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि हर किसी को एक जैसी कीमत पर हर शहर में होटल मिल सके। इन्वेस्टमेंट के पैसे नहीं थे कि खुद की होटल का कारोबार शुरू कर सके, फिर दूसरों के होटल पर अपना 360 करोड़ का कारोबार बना दिया। ओयो रूम्स के फाउंडर एंड सीईओ रितेश अग्रवाल की कहानी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। रितेश अग्रवाल का जन्म 16 नवंबर 1993 में ओडिशा राज्य के कटक बिसाम में हुआ था। उन्होंने अपने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई जिले के स्कर्ट हार्ट स्कूल में ही ली थी और IIT में एडमिशन के लिए वो राजस्थान कोटा जा पहुँचे। वहाँ उन्हें जब भी मौका मिलता था वो ट्रैवलिंग किया करते थे और उन्होंने अपनी एक किताब भी लिखी जिसका नाम था इंडियन इंजीनियरिंग कॉलेजेस। ये किताब टॉप 100 इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में लिखी गई थी और इस किताब को फ्लिपकार्ट में बहुत लोगों ने पसंद भी किया था। फिर 16 साल की उम्र में उसका सिलेक्शन टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIRF में हुआ था एशियन साइंस कैंप के लिए। ट्रैवलिंग के दौरान कभी उन्हें सस्ती होटल मिलती थी तो कभी महंगे होटल में रुकने के बावजूद भी बेसिक फैसिलिटी नहीं मिल पा रही थी। उसने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि कम दाम में ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिले और उसने अपने बुरे एक्सपीरियंस को बिजनेस का रूप देते हुए 2012 में ओरावेल स्टेज नाम की कंपनी खोली। इस कंपनी का यही उद्देश्य था कि ट्रैवलर्स को कम प्राइस में बेहतरीन फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। ट्रैवलर्स को यह सेवा बहुत पसंद आने लगी थी और एम्प्लॉय की संख्या भी बढ़ने लगी थी। कंपनी के एस्टेब्लिश के बाद स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने वाली कंपनी वेंचर नर्सरी से 30 लाख का फंड भी प्राप्त हुआ। इसके बाद पेपाल के फाउंडर पीटर थिल द्वारा आयोजित थिल फेलोशिप कॉम्पिटिशन में 10वें रैंक से नॉमिनेट किया गया और फेलोशिप के रूप में 65 लाख का फंड भी वहाँ से प्राप्त हो गया, जो कि एक न्यू कंपनी के लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। बहुत कम समय में मिली सफलताओं से वो काफ़ी उत्साहित थे, परंतु धीरे धीरे उनकी कंपनी प्रॉपर प्रॉफिट ना देने की वजह से ओरावेल स्टेज घाटे में चला गया और कंपनी को बंद करना पड़ा। लेकिन वो रुके नहीं और अपनी कमियों को सुधारते हुए दोबारा इस आइडिया पर काम करना शुरू कर दिया और अपनी असफलता की यह चुनौतियों से सीख कर 2013 में नए नाम और नए मकसद से ओयो रूम्स की स्थापना की, जिसका मतलब होता है आपके अपने कमरे। इस बार रितेश अग्रवाल की मेहनत रंग लाई और सब कुछ वैसे ही हुआ जैसा कि वो चाहते थे। कम प्राइस में बेहतरीन फैसिलिटी के साथ में ट्रैवलर्स को ये सेवा बहुत ही पसंद आने लगी थी और वह दिन ब दिन तरक्की कर रहे थे। फिर 2014 में दो बड़ी कंपनी LSVP लाइट स्पीड वेंचर पार्टनर्स एंड DSG कंज्यूमर पार्टनर दोनों ने मिलकर ओयो रूम्स में 4 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। फिर 2016 में जापान की एक मल्टीनेशनल मार्केटिंग कंपनी ने 7 अरब का इन्वेस्टमेंट किया। अब ओयो रूम्स में हर महीने 1 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा बुकिंग होने लगी। सिर्फ 2 साल में ओयो रूम्स में 15,000 होटल यानी 10 लाख ओयो रूम्स जुट चुके थे। ओयो रूम्स आज इंडिया की टॉप 10 स्टार्टअप कंपनियों में से एक है। दोस्तों, मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि जब कुछ लोग सक्सेसफुल नहीं बन पाते तो उसके पास एक्सक्यूजेस होते हैं और कुछ लोगों के पास रिजल्ट होते हैं, जो कि रितेश अग्रवाल के पास था। बुरे वक्त में कुछ लोग खुद टूट जाते हैं और कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ते हैं। रितेश ने बुरे वक्त में इतनी मेहनत की खामोशी से कि उसकी सफलता ने पूरे दुनिया में शोर मचा दिया। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरी यूट्यूब के चैनल को।